यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स 4u में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की वीडियो को आप सभी तक पहुँचाने के लिए, मैथमेटिक्स के नॉलेज को आप सभी तक पहुँचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने उद्देश्य में धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। दोस्तों, आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हमारा 700 सब्सक्राइबर का परिवार पूरा हो चुका है, और इसी क्रम में आप आगे बने रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे फ्री मैथमेटिक्स के वीडियो, जिसके अंदर मैथमेटिक्स का हर प्रकार का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो वीडियो लेसन है, वो सब आपके सामने धीरे धीरे करके लगभग पूरी मैथमेटिक्स को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है वो रीट परीक्षा पर आधारित है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रीट परीक्षा जो कि 20 जून को होनी थी वो और शायद और आगे स्थगित होगी, लेकिन कभी भी हो हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है। रीट परीक्षा के अंदर जो भी सिलेबस है उसमें से मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो हम कवर करेंगे हमारे वीडियोज़ में। और पिछले जो रीट का वीडियो था उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो पिछले रीट के 2015 के पेपर में आए थे, उनका क्वेश्चंस को और उनके सॉल्यूशंस को हमने देखा था। तो उसी सीरीज़ में आज हम आगे उसी पेपर के कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के, उनको हम इसके अंदर देखते हैं और किस प्रकार से वो होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। हम एक क्वेश्चन लेंगे, उनको समझेंगे, फिर उनका जो आंसर वो करेंगे। क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, आप क्वेश्चन को देख के और समझ सकते हो कि किस प्रकार से मैंने उनका सॉल्यूशन किया है। मैं आपको पूरा समझाते हुए सॉल्यूशन करूंगा ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आए। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ईजिली पूछ सकते हो कमेंट करके। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करके सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन हम लेते हैं, ये क्वेश्चन जो पेपर में आए थे उसकी सीरीज अलग है, मैं यहाँ पे बीच-बीच में से उठा रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन हम लेते हैं वो है 2x + 4y - 8xy - 1 आपको क्वेश्चन मार्क है, यानी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 2x + 4y - 8xy - 1। इसके आपको जो है वो इसकी क्या वैल्यू होगी वो आपको ज्ञात करनी है। नीचे जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उन चारों ऑप्शन में आपको अलग अलग फैक्टर दिए हुए हैं, तो कुल मिला के आपको इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। और जब आप इसका फैक्टर करोगे तो आपके सामने दो फैक्टर आ जाएंगे। नीचे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अंदर से जो भी ऑप्शन सही लगे तो आपको उस तरह से वो करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब चार पदों का बीजीय व्यंजक हमारे सामने आता है तो एक ही तरीका है कि हम दो दो में कॉमन लें। क्या करें, हम दो दो में कॉमन लें, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो जो कॉमन आएगा वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसमें x है, इसमें y है। अगर इन दोनों में कॉमन लें तो भी हम समझते हैं कि y कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन लें तो भी हम समझते हैं कि y कॉमन आएगा। तो हमें क्या करना है, एक स्टेप को आगे पीछे करना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो 4y है इसको लिख लेता हूँ पहले -8xy, और इस 2x को लिख देता हूँ बाद में, प्लस का 2x - 1। ठीक है, आप इसको भी पीछे कर सकते हो, इसको भी आगे कर सकते हो, कैसे भी आप करोगे तो आपके सामने जो आंसर है वो वही आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ कर दिया -8xy प्लस 2x को पीछे लिख दिया और -1 वहीं का वहीं पड़ा है। अब क्या करेंगे, अब हम दो दो में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से मैं कॉमन लूँगा और इन दोनों में से कॉमन लूँगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, ध्यान से देखो 4 और 8 में कॉमन की बात करें तो 4 आएगा क्योंकि 8 के अंदर भी 4 दूनी 8, 4 छिपा हुआ है। y भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ, 4y कॉमन आ गया। यहाँ पर पीछे देखें तो कुछ नहीं बचा, जहाँ कुछ नहीं बचा कॉमन में वहाँ बचेगा हमेशा 1। -8 में से 4 निकल गया, कितना बचा 2, क्योंकि ये गुणा में है, 4 दूनी 8 होता है इसलिए बच गया 2। xy में से y भी निकल गया, पीछे क्या बचा x, यानी ये कि आपके पास क्या बच गया 1 - 2x। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा वहाँ हम लेंगे कॉमन 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2x - 1। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में देखो पहला पद हमने कॉमन ले लिया, अब दो पद हमारे पास आए, एक ये और एक ये। इन दोनों में अगर ध्यान से देखें तो हमें दोबारा कॉमन लेना है। यहाँ पर 1 - 2x है, यहाँ पर 2x - 1 उल्टा है, तो यदि हम इसको चाहें तो इसको भी हम 2x - 1 बना सकते हैं, लेकिन इसको 2x - 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उलटना पड़ेगा। और जब भी संख्याओं को उलटते हैं माइनस में तो हमेशा एक माइनस बाहर आ जाता है, प्लस में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं बिना माइनस के, लेकिन अगर माइनस है और हम इसको आगे पीछे करते हैं, जैसे अगर मैं इसको 2x - 1 करूँगा तो एक माइनस बाहर आएगा जो बाहर आके इस 4y के साथ लग जाएगा, और पीछे प्लस 1 एज इट इज़, 2x - 1 एज इट इज़। ठीक है, अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में ध्यान से देखो 2x - 1 कॉमन आ गया, 2x माइनस 1 कॉमन आ गया, पीछे यहाँ पे बचा माइनस 4y, यहाँ पे बचा प्लस 1। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 2x माइनस 1, 1 को पहले लिख दूँ 1 माइनस 4y। तो ये मेरे पास इसके क्या आ गया गुणनखंड। अब ये ऑप्शन क्वेश्चन में जहाँ पर भी है वो आपका सही उत्तर होगा, जो बी नंबर ऑप्शन है वहाँ पर इसका सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करते हैं आपने इस 2x को यहाँ ना लेकर के इस 4y को पीछे ले लिया, 2x को आगे ले लिया, तो जब आप ऐसा करोगे तो 4y 1 के साथ आके क्या बचेगा 4y माइनस 1। तो यहाँ पे देखो ये वाला पद आपका पहले कॉमन आ जाएगा और बाद में ये वाला पद बच जाएगा। कैसे भी करो आपका आंसर जो है वो यही आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं ये वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 75। ठीक है, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 75। दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 25। ठीक है, और आपको जो फाइंड करनी है वो x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको सवाल दिया हुआ है। दो इक्वेशन दी हुई है, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 75, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 25, और आपको x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू ज्ञात आप कैसे करोगे, इन दोनों समीकरणों को हल करना, ऑब्वियसली हल करके आप इसको बिल्कुल इसमें आप x प्लस वाई का मान निकालोगे। तो यहाँ पर देखो दोनों में से कौन सी समीकरण ईजी है जिसको आप पहले हल कर सकते हो। देखने में ये समीकरण बिल्कुल ईजी लग रही है क्योंकि दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको पहले उठाते हैं। इस समीकरण को मैंने पहले उठाया, 5x माइनस 5y बराबर 25। अब यहाँ पे देखो सब में 5 कॉमन आ रहा, तो यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो, लेफ्ट हैंड साइड से आपने 5 कॉमन लिया, x माइनस बच गया y बराबर इस 25 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5, क्योंकि 5 इंटू 5 25 होता है। ये 5 से 5 कट गया, आप इसको यूँ भी कर सकते हो 5 यहाँ पे जाके भाग में आ गया फिर कट गया, एक ही बात है। तो ये आपके पास आ गया x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई 5 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है, आपको प्लस की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसका मतलब आपको अभी इस इक्वेशन से और सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस वाई बराबर 5 आ गया, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, x बराबर इस y को उधर भेज दो, तो पक्षांतरण के नियम से 5 वहीं पड़ा है, y वहाँ जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 प्लस वाई। आप इसको y प्लस 5 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये जो x की वैल्यू है आप इसमें पुट कर दो, ये जो x की वैल्यू आप क्या करो इसमें पुट कर दो। दिखने में लगता है सवाल लंबा हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो 3x की जगह आप क्या रखोगे 5 प्लस वाई, और वो आएगा गुणा में क्योंकि 3 भी x के गुणा में, तो यहाँ पे मैंने इसको गुणा में इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस 7y बराबर 75। इसको फटाफट से आप हल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 की 5 से गुणा होगी, 3 5 से 15, प्लस 3 की y से गुणा होगी 3y, प्लस 7 की y से गुणा होगी 7y, और बराबर में 75 पड़ा ही है। अब ये 15 यहाँ पे प्लस का है, इस 15 को इधर भेज दो, तो ये 75 माइनस 15 हो जाएगा, और ये 3y प्लस 7y जुड़ के क्या हो जाएंगे 10y। तो 10y इज इक्वल टू 75 माइनस 15 घटाओ कितने आते हैं 60 आ गया। अब 10y इज इक्वल टू 60 आ गया, तो आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 60 के बट्टे में 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 गुणा में है, यहाँ बट्टे में आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 60 बट्टे 10, और इसको जब काटोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, आगे y की वैल्यू 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू आपके पास क्या थी 5 प्लस वाई, तो y की जगह आप क्या रख दोगे, यहाँ पे 6 रख दोगे, तो y की जगह यहाँ पे 6 रख दो, तो क्या हो जाएगा x बराबर 5 प्लस वाई की जगह 6, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, यानी x की वैल्यू आ गई 11, y की वैल्यू आ गई 6। आपको निकालना है x प्लस वाई, तो x की जगह x की वैल्यू रख दो 11, y की जगह y की वैल्यू रख दो 6, तो 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, यानी 17 जहाँ पर भी है वही आपका क्या है आंसर है। पहले इस समीकरण को हल किया, जो वैल्यू आई वो इसमें रखी, x का मान आ गया, दोनों के मान यहाँ रखे हमने, बिल्कुल इजीली वो निकाल लिया। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होगी, ये आपको पेपर के अंदर ही करनी है क्योंकि रफ पेज तो बहुत कम होता है, फटाफट से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। मैंने आपको समझाया है इसलिए टाइम लगाया, बाकी फटाफट करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगी, प्रैक्टिस आपको करते रहना है। ठीक है, ये होगी हमारी 17। तो क्वेश्चन 2 में जो 17 नंबर ऑप्शन है, जहाँ पर भी है ए नंबर में ऑप्शन है, तो वहाँ पर आपको वही ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लेते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें हम कम से कम भी 6 7 8 क्वेश्चन लेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लंबा होने दीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए, ये हमारा मेन उद्देश्य है। वीडियो कुछ तो लंबा होगा क्योंकि जब ये ट्यूटोरियल वीडियो है आपको समझा रहा हूँ, तो कुछ तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ब्याज का है। ब्याज के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं लेकिन थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन है, तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो आपको साधारण ब्याज के जो सूत्र हैं वो आपको याद आने चाहिए। साधारण ब्याज को मैं एसआई लिखूंगा, क्या लिखूंगा एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसको ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसके अंदर किस दर से, यानी दर आपको ज्ञात करनी है, दर दी हुई नहीं है, दर आपको ज्ञात करनी है। दर को मैं क्या लिखता हूँ, रेट लिखता हूँ, यानी कि आर। ठीक है, कोई धन है, धन भी नहीं दिया हुआ, कोई धन यानी जो धन होता है वो आपको दिया हुआ नहीं है, उसको हमने एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और ये जो धन होता है ये होता है मूलधन। मूलधन को हम क्या बोलते हैं, पी यानी कि प्रिंसिपल। ये बात आपको पता है, पी को प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन, तो मूलधन भी आपको दिया हुआ नहीं है, बस कोई धन लिखा हुआ है, तो हमने क्या मान लिया, एक्स। 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी कि समय आपको दिया हुआ है कितना, 8 वर्ष। ठीक है, और दुगना हो जाता है, इसका मतलब मिश्र धन आपको दिया हुआ है कितना, मिश्र धन दिया हुआ है, दुगना हो जाता है यानी कि 2x, क्योंकि आपको दुगना दिया हुआ है। कोई धन हमने x माना, तो मिश्र धन क्या हो गया, दुगना यानी कि 2x, तो मिश्र धन हो गया दुगना। अब यहाँ पर क्या आप ब्याज निकाल सकते हो, क्योंकि हमें तो ब्याज का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। मिश्र धन होता है 2x और मूलधन है x, तो 2x में से x गया, x यानी x रुपये जो है वो आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये x हमने माना ही था, जितना धन था उतना ही ब्याज कमा लिया, तभी तो वो दुगना हो गया। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। अब आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें आर की वैल्यू निकालनी है, किस दर से, यानी कि आर का आपको ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है एसआई का, वो होता है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये बिल्कुल साधारण सा सूत्र है। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये आपको जरूर याद होगा, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा, रीट के सिलेबस में भी आपने पढ़ा है, हमने भी एक वीडियो में आपको बताया है, बिल्कुल इजी है, तो ये आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू। तो पी की वैल्यू क्या है, देखो एस आई है ब्याज, ब्याज है आपका एक्स, पी है मूलधन, ये भी है एक्स, टी है टाइम, ये है 8 क्योंकि 8 वर्ष दिया हुआ, आर है रेट जो आपको ज्ञात करनी है, बट्टे में है 100। जो आपको पता है आपने रख दिया, और अब आपको ज्ञात करनी है। तो सॉल्व करो, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स, एक्स एक्स कट गया, ये 100 बट्टे में है, इसको यहाँ भेज दो, ऊपर आ जाएगा। 8 ऊपर है, यहाँ भेज दो, बट्टे में आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 बट्टे 8। ये देखो 100 बट्टे 8, 100 में 8 का भाग लगाओ तो आपके पास आ जाएगा 12.5%। ये आपके पास क्या आ गई, रेट। तो 12.5 जहाँ पर भी ऑप्शन है, ए में या बी में जहाँ भी है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी के अंदर 12.5 ऑप्शन है, 12.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। रेट जो है वो हमेशा परसेंटेज में आती है, तो इसीलिए यहाँ पर जो रेट है उसका आगे हमने क्या लगा दिया, परसेंटेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया साधारण ब्याज का सवाल। बहुत सिंपल सवाल होते हैं साधारण ब्याज के, लेकिन इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आने चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं हम, देखिए नेक्स्ट जो सवाल है वो साझे का सवाल है। किसका सवाल है, साझे का। साझा आपको पता ही है, जब हम बिजनेस करते हैं तो रकम मिलाते हैं समय के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं हम साझे के सवाल। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 4, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि 2 व्यक्ति है नीना और मीना, उन्होंने 30,000 और 45,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यानी एक व्यक्ति है नीना और दूसरी जो व्यक्ति है वो है मीना, नीना और मीना है। ठीक है, अब नीना ने कितने रुपये लगाए, 30,000, मीना ने कितने रुपये लगाए, 45,000। ये आपको दिया हुआ है, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया 30,000 और 45,000। ठीक है, दोनों ने समान समय के लिए रुपए लगाए, क्योंकि लिखा हुआ है कि 2 वर्ष के बाद फायदे में से कितना जो भी भाग है वो होगा। तो 2 वर्ष के लिए लगाए, तो दोनों 2 वर्ष के लिए लगाए। जब समय दोनों का बराबर हो तो हम सिर्फ लगाए गए धन का अनुपात ही लेते हैं। तो इन्होंने जितना धन लगाया उसी अनुपात में इनको लाभ बटेगा। तो धन कितना लगाया, 30,000, 45,000, इनका अनुपात आप निकाल लो। तो यहाँ पर देखो 3 0 से 3 0 कट गई, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी दोनों का जो भाग है वो 2:3 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनुपातों का निकालते हैं योग। तो 2 और 3 का योग हो गया 5, यानी कुल हिस्सा 5 था, जिसमें से 2 हिस्सा नीना ने लगाया, 3 हिस्सा मीना ने लगाया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद इनको जो फ़ायदा हुआ वो है 1.5 लाख रुपए का, यानी 1,50,000 का इनके पास क्या है, फ़ायदा है, बेनिफिट है इनको। तो आपको बताना है मीना को कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो देखो मीना का फ़ायदा निकालना है तो मीना का अनुपात लेना पड़ेगा। इसका जो तरीका होता है वो ये होता है, मीना का अनुपात बट्टे में कुल अनुपात इंटू में कुल फ़ायदा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मीना का भाग, मीना का फायदा निकालना, तो मीना का भाग बट्टे में कुल अनुपात यानी 5 और गुणा में कुल फायदा जो इन सबको हुआ है। अगर आपको नीना का निकालना होता तो यहाँ पे आप 2 रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हल करो, तो यहाँ पे देखो 5 से काटो, 5 3 15, 1 2 3 4, 4 0 यहाँ पर आ जाएंगे। कितना आ गया, 30,000, 30,000, 30,000 के 3 से गुणा कर दो, आपके पास आ जाएगा 90,000। यानी 90,000 जो फायदा हो गया वो किसका हो गया, मीना का, और बचा हुआ 60,000 है वो किसका हो जाएगा, नीना का। तो आपको ये पूछा है मीना का, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जो ऑप्शन है, ऑप्शन में ये आंसर कहीं नहीं है, तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें है कि निम्न में से कोई नहीं। तो चौथा जो इसका आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो फायदे क्वेश्चन है वही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा शायद सॉल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ जगह कम है, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। देखो नेक्स्ट पेज पे आपको लिखा हुआ है कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व जो आयु है वो 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। आपको राजीव की वर्तमान आयु याद करनी है, यानी ये आयु वाला क्वेश्चन है, एज वाला। तो जब भी एज वाला क्वेश्चन आए, आयु वाला क्वेश्चन आए, तब आपको हमेशा क्या करना है, वर्तमान आयु माननी है। ये आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसको आप ट्रिक बोल सकते हो कि जब भी आयु का क्वेश्चन आए हमेशा आपको क्या माननी है, वर्तमान आयु। ठीक है, तो राजीव की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, राजीव की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, एक्स वर्ष हमने मान ली राजीव की वर्तमान आयु है। ठीक है, राजीव की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। अब 5 वर्ष पूर्व आपको कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व आपको पता ही है, आज अगर मेरी आयु एक्स है तो 5 साल पहले 5 कम होएगी, यानी कि x-5 हो जाएगी। और अगर मैं 9 वर्ष बाद की बात करूँ तो 9 वर्ष बाद क्या होगा, आज जो मेरी आयु है उसके अंदर 9 जुड़ जाएगा। बस बिल्कुल सही, 5 वर्ष पहले की का है तो 5 साल कम कर दो, 9 साल बाद की का है तो 9 साल जोड़ दो, x+9 ये आयु है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 साल पहले और 9 साल बाद की जो आयु है उनका गुणनफल 15 है, यानी कि x-5 और x+9 जो है इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 15। ये आपको 15 दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको ये 15 दे रखा है, तो अब आप क्या करो, इनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू x से होगी, यानी कि x² माइनस x की मल्टीप्लाई 9 से प्लस के 9x माइनस 5 की मल्टीप्लाई x से 5x और माइनस 5 की 9 से तो माइनस के 45 इज इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करोगे x² एक यही है, प्लस 9 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, 9 में से 5 के 4 यानी कि 4x माइनस 45 और ये 15 भी यहाँ के माइनस का 15 हो जाएगा, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस के कितने हो गए 60 इज इक्वल टू वहाँ कितना बचा 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x की पावर 2 है, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, और जब इसको हल करोगे तो x के 2 मान आएंगे। तो यहाँ से जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण को हल करने वाला बन गया। द्विघात समीकरण को हल करने के कई तरीके होते हैं, मैं यहाँ पे आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा श्रीधर आचार्य द्वारा। आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूले से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा निकालना है, या डी भी बोल सकते हैं इसको, वो होता है b² माइनस 4ac। ABC क्या होते हैं, x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b, और यहाँ जो अचर पद होता है वो क्या होता है, c। ठीक है, तो b² देखो, b की वैल्यू क्या है 4, तो b² यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं है यानी 1, c की वैल्यू कितनी है -60, तो ये हो गया -60। सॉल्व करो, इन तीनों की मल्टीप्लाई है तो माइनस और माइनस तो मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 100 की 4 और 60 की गुणा कर दो 6×4 = 24, ये 240, और 240 को 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 256, यानी डेल्टा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 256। ठीक है, यहाँ अगर हम b² माइनस 4ac की वैल्यू ये आ गई, अगर हम इसका रूट कर दें, क्या कर दें, रूट अंडर रूट कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16, क्योंकि 256 का रूट क्या होता है 16। इसका रूट हमें बाद में सूत्र में करना है, तो हमने पहले यहाँ पे करके रख लिया। डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, पॉजिटिव आई है, इसका मतलब इसके 2 सही मान निकलेंगे, वास्तविक संख्याएं निकलेंगी 2, इसका पूरा मान निकलेगा, तो इससे पता लग जाता है। अब जो श्रीधराचार्य सूत्र था, ये तो सिर्फ हमने डेल्टा निकाला था, श्रीधराचार्य सूत्र था, वो सूत्र होता है एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट बट्टे में 2a, ये सूत्र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसके बारे में मैंने जो समीकरण वाला है, हमारा जो बीजगणित की वेब सीरीज है वो देखिए, उसके अंदर ये बताया हुआ है, और अगर नहीं बताया होगा तो आने वाले उसके वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब यहाँ पर देखो b² माइनस 4ac का रूट, इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 16, तो इस पूरे की जगह हम वैल्यू निकाल चुके कितनी, 16। ठीक है, माइनस b की जगह अपन रख सकते हैं, b की वैल्यू कितनी थी 4 प्लस माइनस 16 और बट्टे में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, तो 1 की 2 से गुणा होगी तो हो जाएगा 2, ये आ गया x के मान। अब एक बार आपको प्लस लेके सॉल्व करना है, एक बार माइनस लेके सॉल्व करना है। तो जब हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे, और यहाँ माइनस लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके। जब प्लस लेके सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इजिकल टू माइनस 4 प्लस 16, ठीक है, माइनस 4 प्लस 16 बट्टे में 2, और जब माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 माइनस 16 बट्टे में 2। सॉल्व करो, ये प्लस का माइनस का घटाव होगी, 16 में से 4 के 12, 12 बट्टे 2 कितना हो गया 6। एक तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ पर देखो दोनों माइनस हैं तो प्लस होगा, जब प्लस होगा तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20, और वो 20 भी होगा माइनस का, क्योंकि निशान हमेशा बड़ी संख्या का आता है। यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस थी तो प्लस का निशान है, यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का निशान आएगा। भट्टे में 2, 20 को 2 से काटो, ये कितना आ गया माइनस का 10, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 10। यानी एक्स के 2 मान निकले, ये द्विघात समीकरण थी, एक्स के 2 मान आएंगे, एक तो प्लस का 6 आ गया और एक माइनस का 10 आ गया। अब ये x क्या है, ये x आपने क्या माना था, ये माना था राजीव की आयु, तो आयु कभी माइनस की नहीं हो सकती, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो इसको हम बोलते हैं अग्राह्य वैल्यू, क्या बोलते हैं अग्राह्य या नॉट पॉसिबल, इसको आप बोल सकते हो। ये नॉट पॉसिबल वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए, इसका ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उम्र कभी माइनस में नहीं होती। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, यानी राजीव की जो उम्र थी वो कितनी होगी 6 साल। तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। 6 आपके जहाँ पर भी ऑप्शन में है वही उसका उत्तर हो जाएगा। 6 जो है ऑप्शन में, वो कौन से ऑप्शन में है, डी में या ई में, जिसके अंदर भी हो वही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। अब यहाँ पर देखो ये जो है ये थोड़ा सा सवाल लेंदी हो गया। लेंदी क्यों हो गया, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बनगीर, इसका जो सॉल्यूशन है ये पूरा सॉल्यूशन लेंदी हो गया। तो कोई बात नहीं, आपको मैंने तो पूरा समझा के कैसे लेंदी लग रहा, आपको ये फटाफट सॉल्व करना था, आप बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अब ये जो 6 है इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं। आप ये देखो 5 वर्ष पूर्व आयु, अगर एक्स की जगह 6 होता तो 6 माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व 1 हो जाती, और 9 वर्ष बाद कितनी हो जाती 6 प्लस 9 15। अब देखो इन दोनों का गुणनफल 15 हो रहा है, हाँ 15 हो रहा है, इसका मतलब ये सवाल पे हमारा बिल्कुल सही है। यानी वर्तमान आयु कितनी होगी, एक्स की वैल्यू 6, तो 6 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल आते हैं छोटे आते हैं फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, कोई सवाल लेंदी होते हैं, अलग अलग तरह के सवाल हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छठा जो क्वेश्चन है वो आधारित है त्रिज्या पे। देखिए अभी जो मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ ये मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको एक एक चीज़ को मैं खोल के बता रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो आप फटाफट कर सकते हो। डायरेक्टली अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा तो ट्रिक हर क्वेश्चन के लिए अलग होगी, वो आपको रटनी पड़ेगी। और मैथ में जब भी रटते हैं हमेशा क्वेश्चन मोस्टली गलत ही होता है, इसीलिए वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, वो बाद में बताऊँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या को दुगनी करने पर नई परिधि कितने गुना हो जाएगी। यानी अगला क्वेश्चन जो है वो त्रिज्या पे आधारित है। त्रिज्या अगर 3 गुनी कर दे, त्रिज्या कितनी कर दे 3 गुनी, तो परिधि कितने गुना हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। परिधि कितने गुना हो जाएगी, ये व्रत की बात कर रहे हैं, तो आपके सामने व्रत की परिधि का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो व्रत की परिधि का सूत्र हमारी जो व्रत की जो सीरीज है वीडियो सीरीज उसमें मैंने आपको बता रखा है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है 2πr। अब यहाँ पे देखो त्रिज्या जो है उसको क्या कर दी 3 गुनी कर दी, तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है ये रही r, इसको अगर मैं 3 गुनी कर दूँ तो 3 गुनी का मतलब है यहाँ पे होगी 3r, तो 2π इस r की जगह मैं रख दूंगा 3r। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 3 6 और पाई r, तो ये हो जाएगा 6πr हो जाएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2πr पीछे है ही। ठीक है, 6 को मैं लिख दिया 3 × 2πr भी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये जो 2πr था ये तो क्या थी, पहले वाली परिधि थी, ये तो 2πr ये पहले वाली परिधि तो थी। हमने r की जगह 3r रखा तो इसकी जगह कितना आ गया 3 × 2πr, यानी जो पहले वाली परिधि थी उसका कितना हो गया 3 गुना। तो इसका जो आंसर है परिधि के कितने गुना होगा, तो 3 गुना इसका आंसर आ जाएगा। परिधि से कितने गुना हो जाएगी 3 गुना, तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 3 या 3 गुना। ठीक है, यहाँ पर आप एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रख सकते हो। परिधि का सूत्र होता है 2πr, यहाँ पे r सिंपल है, कोई घात नहीं इसके ऊपर, तो जितने गुना हम r करेंगे उतने ही गुना पूरी परिधि हो जाएगी। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात होती πr², तो यहाँ पे r के ऊपर स्क्वायर है, अगर हम r को जितने गुना करते उसका स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाता है। जैसे r को यदि हम 3 गुना करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, जो क्षेत्रफल होता है वो 9 गुना हो जाता। इसी तरह से अगर आयतन की बात करें, जैसे गोले का आयतन ये होता है, यहाँ पे r का क्यूब आता है, तो r को यदि हम यहाँ पे 3 गुना करेंगे तो जिसका आयतन है वो 3 की घात 3 यानी 27 गुना हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह से गुणा वाले प्रश्न आए तो आप डायरेक्ट सूत्र देख के बता सकते हो। 2πr में r सिंपल है तो उतना ही गुना जितना ये है, r² होता तो उसके स्क्वायर का गुणा, और अगर r³ होता तो उसके क्यूब का गुणा। इस तरह से आप डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 6। अगला लेते हैं हम प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो लेते हैं हम कमरे वाला, यानी आयताकार एक कमरा दे रखा है, ये भी घनाभ में आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि आपको एक कमरा दे रखा है, एक कमरा दे रखा है, कमरा हमेशा कैसा होता है, घनाभ आकार का होता है। कमरे की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है 12 मीटर, कमरे की जो चौड़ाई है वो आपको दे रखी है 9 मीटर और कमरे की जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है 8 मीटर। पूछा जा रहा है कि इसमें अधिकतम कितने लंबाई का बांस रखा जा सकता है, यानी कि ये एक कमरा है, इसके अंदर आपको एक बांस की लकड़ी रखनी है, तो अधिकतम कितनी लंबाई की बांस की लकड़ी इसमें रखी जा सकती है। तो यहाँ पर देखो, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए मैं आपको वर्ग से समझाता हूँ। ये एक वर्ग है, ठीक है। आपको अंदर इसके अंदर अगर कोई लंबी से लंबी रेखा रखनी हो या कोई लकड़ी रखनी हो तो आप इस तरह से रख सकते हो, जो कि इसका क्या होगी, विकर्ण होगी। जब भी आपको लंबी से लंबी रेखा रखनी हो तो आप इसके विकर्ण के अनुसार रख सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। जितना बड़ा इसका विकर्ण है उतना ही लंबा इसमें आप बांस या कोई भी लकड़ी रख सकते हो। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है L² + B² + H² का रूट, ठीक है। यहाँ पर जो घन ये होता है, वर्ग का क्या होता है, सीधे लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि ये 2D था और ये 3D है, बस इतना ही फर्क है। यहाँ पर देखो लंबाई कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर, चौड़ाई कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर। इनको प्लस करके रूट निकाल लो। फटाफट से मैं सॉल्व कर देता हूँ। 12 का स्क्वायर कितना है 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। ये स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। स्क्वायर जितनी जल्दी याद होंगे आप उतना जल्दी सवाल को करोगे। 4 और 1 5 और 4 9, 4 और 8 12 और 6 18 का 8 सलाई 1 1 और 1 2, ये 289 आ गया। ऊपर रूट है, अब 289 का रूट कितना होता है 17, यानी कि 17 मीटर लंबा जो है आप बांस या कोई भी लकड़ी इसमें रख सकते हो। 17 जो ऑप्शन है वो ए में आ रहा है, यानी ए आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ जगह थोड़ी कम है, मैं आपको अगले पन्ने पर समझाता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है ये अनुपात वाला है। अनुपात भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आप और बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक अनुपात दे रखा है कि A + B अनुपात B + C अनुपात C + A इक्वल टू आपको दे रखा है 6 अनुपात 7 अनुपात 8, ये आपको दे रखा है, ठीक है। एक आपको वैल्यू दे रखी है A + B + C की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 14, और आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, आपको इसमें C की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको इसमें C की वैल्यू ज्ञात करनी कितनी है। देखिए अनुपात का जब भी सवाल आता है, अनुपात में आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको अनुपात दिया हुआ है 6 7 8, तो इनकी जो वैल्यूज़ है वो आपको हमेशा इन्हीं के अनुपात में माननी है। जैसे अनुपात आपको दे रखा है 6 7 8, तो वैल्यूज़ आप मान लो 6x 7x और 8x। अब यहाँ पर जो अनुपात दे रखा है वो इनका दे रखा है, तो वैल्यूज़ भी आपको इन्हीं की माननी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ A + B को मैंने मान लिया 6x, ठीक है। B + C को मैंने मान लिया 7x और C + A को मैंने मान लिया 8x। ये देखो A + B को 6x मान लिया, B + C को 7x, C + A को 8x, ताकि अगर इनको हम वापस काटें तो x कट जाए और यही रेशो हमें प्राप्त हो। ये मान लिया। अब यहाँ पर हम क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं इन तीनों को। तो जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो यहाँ देखो क्या आएगा, A + B + B + C + C + A, और यहाँ पर ये तीनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो क्या होगा 6 और 7 13, 13 और 8 21, ये तो हो गया 21x, या वैसे जोड़ लो 8 से 14 7 21 21x आ गया। यहाँ पर देखो A जुड़ के ये क्या हो जाएगा 2A, ये हो जाएगा 2B और ये हो जाएगा 2C, और उन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा A + B + C, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और A + B + C की वैल्यू कितनी है 14 हमारे पास है, तो वो हम यहाँ रख देंगे। तो 2 × A + B + C हो गया 14 = 21x। यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। इस 21 मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा बट्टे में, तो यहाँ से आ जाएगा बट्टे में 7 के पहाड़े से हम इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 2 दूनी 4 बट्टे 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। ये मैंने इसको थोड़ा फटाफट से सॉल्व किया है, पक्षांतरण करके करता थोड़ा और टाइम लग जाता। आपने इन तीनों को जोड़ा, जोड़ते ही यहाँ पे 2A + 2B + 2C आ गया, 2 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया A + B + C। A + B + C की वैल्यू 14 है, 14 की 2 से गुणा कर दी 28, आप सीधे 28 भी रख सकते हो। इनको जोड़ने पर आ गया 21x, x की वैल्यू निकालोगे तो 28/21 आ जाएगा, 7 के बाद काटोगे 728, 7 या 21, 4/3 आपके पास क्या आ गई x की वैल्यू। ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। तो ध्यान से देखो, अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है तो A + B + C में से आप a और b की वैल्यू हटा दो। आप ध्यान से देखो, आपको c की वैल्यू निकालनी है, A + B + C बराबर आपको 14 दे रखा है, आपको C की वैल्यू निकालनी है, तो A और B की वैल्यू रख के घटा दो। तो A + B की वैल्यू कितनी है, ये देखो A + B की वैल्यू है 6x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a प्लस बी बराबर 6x और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4/3। तो यहाँ पर मैं x की जगह रख दूंगा 4/3, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, यानी a प्लस बी कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। a प्लस बी की जगह 8 रख दो, यहाँ पे मैंने 8 रख दिया, प्लस c बराबर 14। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, 8 उधर जाके 14 - 8, 14 - 8 कितना हो गया 6। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। तो 6 जहाँ पर भी ऑप्शन में हो, a नंबर में है, तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर c की वैल्यू पूछी है, अगर आपसे b की वैल्यू पूछी जाए तो a प्लस c घटा दो, अगर a की वैल्यू पूछी जाए तो b प्लस c घटा दो। इसी तरह से आप किसी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया हुआ है 2015 के रीट के एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। 8 एग्जाम्पल हमने देखे, 8 क्वेश्चंस, और किस प्रकार से उनको सॉल्व करते हैं वो मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इनको 1 बार 2 बार देखो ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। कहीं पर भी डाउट हो तो आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।